हाँ सुगंधा। डॉक्टर साहब, लकड़ी काटते वक्त कुल्हाड़ी से मेरे पैर में चोट लग गई। सकाराम, तुम जल्दी से बैग लो और मेरे साथ में जल्दी चलो। अच्छा साहब। सुगंधा के पैर में कुल्हाड़ी लग गई है और ये मुक्ति इंसान खुद को खुद से दे सकता है। विकास का पता चला? अभी तक तो नहीं पापा, लेकिन मैं उसे खोज लूंगी। जैसे ही विकास मिल जाए उसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लेंगे और उसकी ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। लेकिन जिसके कारण विकास की ये बीमारी वापस आई है उसका भी ठीक से इलाज होना बहुत जरूरी है। तुम चिंता मत करो सकाराम, मैंने गांव में बात फैला दी है, उसका भी पता लग जाएगा। रमा, जानती हूँ क्या हुआ? विकास ने दिल्ली की बस पकड़ी, अभी तक नहीं पहुंचा। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, लेकिन लोग कह रहे थे कि उसका दिमाग फिर से सनक गया है। डॉक्टर साहब कह रहे थे उसे जरूर किसी ने बुरा भला कहा है, इसी वजह से उसका टेंशन बढ़ गया है और उसका दिमाग फिर से सनक गया है। तो बताओ, दिल्ली इतना बड़ा शहर है, पता नहीं उसका पता चलेगा अभी कि नहीं। पहले से ही शक था कि उसका शहर जाना ठीक नहीं, लेकिन वो क्या पता है? एक तो आप लोग भी किसी की बात मानते ही नहीं है। मैं कब से बोल रही हूँ कि विकास पर भूत प्रेत का साया है और आप लोग हैं कि उसे दवा खिलाकर ठीक करने में लगे हैं। भूत है, उस दिन शांत रहा होगा, फिर उत्पात मचाना शुरू कर दिया होगा। कुछ नहीं रमा, उसका मन कमजोर है, लोगों की बातें उसके मन को चुभ जाती है और वो इतनी चिंता करने लगता है कि कई कई दिनों तक उसी के बारे में सोचता रहता है। डॉक्टर साहब, क्या नाम बता रहे थे उसकी बीमारी का? हेलो, वो कह रहे थे कि ऐसे में आदमी बार बार एक ही बात को सोचता रहता है और उसका मन बार बार वही बात को दोहराता रहता है, ऐसे में आदमी बड़बड़ाने लगता है और उसके कान में फिर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है, उसको वो महसूस करने लगता है, उसको उसी का भय हो जाता है। दिमाग भी ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर साहब की एक बात सही लग रही, उसे जरूर किसी ने कुछ ना कुछ जरूर बोला है, तभी तभी उसकी बीमारी फिर से उभर आई और वो उसका दिमाग फिर से सनक गया है। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा और कौन करेगा? मुझे तो बिरजू पर ही शक। बिरजू के जेल से बाहर आने से पहले तक वो ठीक ठाक था कि नहीं? और हाँ, किसी ने विकास को और बिरजू को रास्ते में बात करते हुए भी देखा था। हो सकता है, पर बिरजू जानबूझकर तो ऐसा करेगा नहीं। मालती उसके साथ काम करती थी और दोनों में बनती भी बहुत थी। कुछ भी हो, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन ये सब बिरजू के ही कारण हुआ। बिरजू जेल से बाहर आने के बाद उसे जरूर उलाहना दिया होगा, जिससे उसके कड़वी बातें उसके मन में बैठ गई, इसी से उसका दिमाग फिर से सनक गया है। एक बात जान लो रमा, अगर बिरजू के कारण ये उसकी दशा हुई है ना, तो इस बिरजू के बच्चे को मैं कभी ना छोड़ूंगा, इतना मैं बता देता हूँ। हाँ, रोटी कैसे बनी? मीठी, इसमें तुम्हारा हाथ लगा है ना, तो ऐसा लगता है शक्कर मिल गया। ये मेरे हाथ का नहीं, आपके हाथ का कमाल है। आपने मेहनत मजदूरी करके ही पैसे कमाए और फिर ईमानदारी की रोटी तो सबसे मीठी होती है। हाँ सुनो, शायद यही है, मैंने जिंदगी में पहली बार मजदूरी की है। क्या करता, कुछ काम ही नहीं मिला। हाँ तो इसमें इतना छोटा महसूस करने वाली क्या बात है? गलत काम करने से लाख गुना अच्छा है कि मेहनत और मजदूरी की रोटी खाई जाए। हाँ सुनो, ये सब बातें मेरी ईजा कहती थी, तब मुझे ये बातें समझ में नहीं आती थी, आज समझ आ रहा है कि
कि ईमानदारी से कमाई रोटी में कितना सुकून होता है। वैसे विकास का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, सब लोग बहुत परेशान हैं। मुझे नहीं लगता वो कभी मिलेगा, कहीं मत कट गया होगा। आप क्या बोल रहे हैं, ऐसी बातें मत कहिए, ऐसी बातें मत कीजिए। विकास हमारा अपना ही है, उसने हर सुख दुख में हमारा साथ दिया है। आपकी नजरों में भले ही विकास की कोई अहमियत ना हो, लेकिन मेरी नजर में विकास की जान की कीमत बिल्कुल उतनी है जितने दूसरे इंसान की है। और इंसान हमेशा के लिए बुरा थोड़ी ना होता है, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती है तो इंसान ऐसा हो जाता है, और जब परिस्थितियां अच्छी हो जाती हैं तो इंसान भी सुधर जाता है। अब आप अपने आप को ही ले लीजिए ना। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूं। उसका दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है, अब पागल आदमी कभी भी कुछ भी कर सकता है। विकास को समझाने वाला कोई भी नहीं था, सब भड़काने वाले थे, उसके ऊपर तो सुलेखा भौजी का हाथ था, उसे तो डूबना ही था। सुलेखा भौजी ने उसके दिमाग में उलझुल बातें भर दी थी, और इसीलिए ना वो मालती को छुड़ा पाया ना ही अपने आप को माफ कर सका। मुझे तो लगता है उसने अपनी जान दे दी होगी। अच्छा आप ऐसी बातें मत कीजिए, बार बार इस तरह की बात दोहराने से कभी कभी बात सच हो जाती है। अब खाना खाइए, मैं आपके लिए रोटियां लाती हूँ। नहीं, नहीं रात को अंदर आ जाओ। नमस्ते डॉक्टर साहब, आइए ना बैठिए ना। बस कुछ नहीं, इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम लोगों से मिलता चलूं। डॉक्टर साहब हमारे घर की रोटियां तो नहीं खाएंगे, और पूछना मेरा फर्ज है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जस्ट अभी खाना खाकर ही आया हूं। बिरजू मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कुछ तो बात है, तभी इतनी रात अचानक तशरीफ ले आए डॉक्टर साहब, ऐसे ही दरवाजा भूल कर नहीं खटखटाया है। हाँ डॉक्टर साहब पूछिए ना, क्या बात है। बिरजू जब तुम्हारी मुलाकात विकास से हुई थी तो क्या क्या बात हुई तुम दोनों के बीच? क्या क्या बातें हुई ये कुछ याद तो नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब वो कुछ परेशान सा था, बस मैंने उसका हालचाल ही पूछा था। कहीं तुमने उससे ऐसी बात तो नहीं की जिससे उसके मन को चोट पहुंचे? लागत है तुम जैसी औलाद पर इस मुसीबत में अपनों को छोड़कर दूसरों से रिश्ता निभा रहे हो। आज अपनी सकी माँ पराई होगी, और वो गांव वाले जो शुरू से ही हमारे दुश्मन रहे हैं वो तुम्हारे सगे होंगे। एक बात याद रखना विकास, पराए पराए होते हैं, अपने ही अपने होते हैं। नहीं डॉक्टर साहब ऐसा कुछ भी नहीं, हालचाल पूछा था और मालती की खबर दी थी, बस इतना ही। हाँ डॉक्टर साहब और उसने बताया था कि वो दिल्ली जाकर पढ़ाई करना चाहता है, बस इतनी बात हुई थी हमारे बीच में। तो आखिर विकास के फिर से साइको होने की और क्या वजह हो सकती है?
किसी बात ने फिर से उसके दिमाग पर दबाव डाला। अच्छा मैं अब चलता हूँ। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। सच बताइए, मैं विकास से कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा था? अरे नहीं सुनो, मेरा विश्वास करो, मैं ऐसा क्यों करूंगा। अच्छा ठीक है, अब तुम भी बहुत काम कर चुकी हो, थक गई हो, तुम भी जाकर खाना खा। सच कड़वा होता है ये तो पता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि विकास इतनी सी सच्चाई नहीं बचा पाएगा। आज मुझे मुक्ति मिल जाए, हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। आज वो दिन आ गया है जब मुझे मुक्ति मिलेगी। मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। विकास! ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? आत्महत्या? आत्महत्या वीरता नहीं, कायरता है। मैं शर्म नहीं आई ऐसा सोचते हुए भी? सभी सवाल और सच्चाई पूछते हैं, लेकिन जब इंसान को सच्चाई की सच्चाई का पता चलता है कि सच्चाई कितनी खतरनाक है, तो सारे के सारे सवाल धराशायी हो जाते हैं। आखिर सबसे बड़ा सवाल क्या है? विकास, पहले यहाँ से चलो। कहाँ चलो? घर और कहाँ? तुम सुनो पहले, फिर सोचते हैं, क्योंकि सोचने से सब होता है। देखो ये जो हम देख रहे हैं, जो जी रहे हैं, जो सोच रहे हैं, ये हमारे दिमाग की एक पूरी कल्पना है। ये हमारी जिंदगी का महज एक सपना है, कोई हकीकत नहीं है, सिर्फ सपना। ये दुनिया का सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल सपना और हकीकत क्या है। और ये सवाल सबसे बड़ा है तो इसका जवाब भी सबसे खतरनाक। विकास, पहले यहाँ से घर चलो, हम वहाँ आराम से बैठकर इस विषय पर बात कर सकते हैं। हाँ, वहाँ भी बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन लो। ये सवाल अंदर ही अंदर एक इंसान के दिमाग में रेंगता रहता है और उसके शरीर में जहर भर देता है, मगर कोई भी उसे जानने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन मैंने वो हिम्मत की है और उसे जानने के लिए जिंदगी सपना है या हकीकत, मुझे मरना होगा। अगर मैं मर गया तो सब कुछ सही है और बस यही एक रास्ता मैंने निकाला है, और ये रास्ता मैंने खुद ने खोजा है, अपने आप से खोजा है। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता तो बताओ, वरना तुम यहां से चली जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। विकास की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्या करूं, कैसे समझाऊं? डर गई ना तुम? डर गई ना? तुम्हें पता चला ना कितना मुश्किल होता है सच्चाई का पता लगाना? पता चला ना, एडम और ईव ने भी यही गलती की थी, अच्छा और बुरा जानने के लिए सेब खा लिया, परिणाम क्या हुआ? सर्फ से सीधा नीचे जमीन में फेंक दिया गया। तुम्हें पता है ज्ञान का फल सबसे कड़वा होता है, और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। अब मेरा रास्ता छोड़ो, अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है तो बताओ, वरना मुझे जाना। मेरे पास दूसरा रास्ता है। हम बिना मरे कैसे जान सकते हैं कि हम हकीकत में हैं, सपने में? क्या तुम्हारे पास इसका कोई आंसर है, कोई जवाब है? देखो विकास, मैं तुम्हें यहाँ इतनी बड़ी बात नहीं बता सकती। तुम पहले मेरे साथ घर चलो, तुम्हारे प्रोफेसर साहब भी तुम्हें बुला रहे हैं, वो आज तुमसे इसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, उन्होंने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए ही भेजा है। बकवास है ये सब। सच है, अगर सच जानने की हिम्मत है तो चलो मेरे साथ। ओके, तुम्हें एक मौका दिया अपनी थ्योरी सिद्ध करने के लिए, लेकिन दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ओके चलो मेरे साथ।
अगर विकास नहीं मिलता है तो कल कोई और तरीका देखते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक दिन और देख लेते हैं, अगर फिर भी नहीं मिला तो फिर हम सब दिल्ली चले चलेंगे उसको ढूंढने। काका अभी फिलहाल आप सुगंधा की चिंता कीजिए, अभी इस हालत में आपको सुगंधा के साथ में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कल आके देखेंगे, बैठ के मशवरा करेंगे क्या करना है क्या नहीं। काका ये दवा लीजिए सुगंधा की, उसे ये दवा बराबर टाइम पे देते रहिएगा और उसका ख्याल रखिएगा और उसे ज़्यादा काम भी मत कराइएगा। कैसा बुरा वक्त चल रहा है ना, वहाँ विकास लापता है और यहाँ सुगंधा को भी चोट लग गई है। डॉक्टर साहब मुझे विकास की बड़ी चिंता हो रही है, आप कुछ पता कीजिए ना। काका अगर पापा को कुछ पता चलता तो मुझे ज़रूर फ़ोन करके बता। एक काम करता हूँ, मैं पापा को फ़ोन करता हूँ। हेलो पापा, विकास का कुछ पता चला? नहीं बेटा अभी तो कुछ भी पता नहीं चला, पुलिस से भी कोई खबर नहीं मिली। संज्ञा भी उसे ढूंढने गई है, अब तक उसका फोन नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ चला गया होगा विकास। पापा मैं कल ही दिल्ली आ रहा हूँ, विकास का मिलना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं बेटा अभी तुम अपना काम छोड़ के मत आओ, एक दो दिन देखते हैं, हो सकता है वो मिल जाए या वो खुद ब खुद यहाँ चला आए। पापा यहाँ गांव में सब लोग परेशान, अगर विकास आज रात तक नहीं मिलता है तो मैं कल दिल्ली आकर आपके साथ में उसे ढूंढूंगा। ठीक है लेकिन बेटा मुझे लगता है इतनी जल्दी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। विकास को कुछ नहीं हो सकता, भगवान है ना वो इतने अच्छे इंसान के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं होने देगा। बेटा तुम भी टेंशन मत लो, ये तो खामखा गांव वाले भी परेशान हो जाए। विकास मिल जाएगा और जैसे ही मुझे किसी भी किस्म की खबर मिल जाएगी मैं तुमको फोन करूंगा। ओके पापा बाय। ओके बेटा। काका विकास का तो अभी तक कुछ पता नहीं चला। खैर आप अभी सुगंधा की चिंता कीजिए, अगर विकास नहीं मिलता है तो कल कोई और तरीका देखते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक दिन और देख लेते हैं, अगर फिर भी नहीं मिला तो फिर हम सब दिल्ली चले चलेंगे उसको ढूंढने। काका अभी फिलहाल आप सुगंधा की चिंता कीजिए, अभी इस हालत में आपको सुगंधा के साथ में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कल आके देखेंगे, बैठ के मशवरा करेंगे क्या करना है क्या। ठीक है डॉक्टर साहब जय। अच्छा सर काका मैं आपको छोड़ देता हूँ, रास्ते में अंधेरा भी बहुत है, आइए। संज्ञा भी परेशान है, उसे फोन करके देखता हूँ। Number you have called is currently switched off. आप एक बार संज्ञा को फोन लगा लीजिए ना, बात करके तो देखिए कि कहाँ है वो। देखो तुम संज्ञा को लेकर परेशान मत हो, वो कोई छोटी बच्ची नहीं जो ढूंढने जाएगी और गायब हो जाएगी। मुझे टेंशन है विकास का, एक बार फोन करके देखता हूँ पुलिस स्टेशन। हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर साहब मैं प्रोफेसर शिव कुमार बोल रहा हूँ, वो आया था ना मैं आपके पास विकास के बारे में रिपोर्ट लिखवाने। हाँ जी हाँ जी वही सर, कुछ पता चला उसके बारे में? ओ वैसे ही ठीक है, अगर आपको कुछ पता चले तो इस नंबर पे फोन कर दीजिए। ओके थैंक यू, हम बहुत परेशान हैं जी। जी नहीं वो मेरा बेटा नहीं, बेटे जैसा ही है, दरअसल वो मेरा स्टूडेंट है। हाँ वो उत्तराखंड के मुनिधार गांव का है। धन्यवाद, आई एम अवेलेबल, थैंक यू।
अपनी बेकार की बातें बंद करो। कहीं मेरी बच्ची किसी किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? क्या बोल रही हूँ मैं? मेरी मैं अभी जाता हूँ और संज्ञा को लेकर आता हूँ, तुम टेंशन मत लो। गाड़ी की चाबी दो। मैं भी चलूं? क्या पता, मुझसे पहले अगर संगे आ गई तो। यहीं रुको, हाँ आता हूँ। जिंदगी सपना है या हकीकत, मुझे मरना होगा और ये रास्ता मैंने खुद ने खोजा है। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता तो बताओ, वरना तुम यहाँ से चली जाओ। मेरे बात पर गौर करो। क्या हो गया ये? भगवान उसके साथ कुछ भी गलत मत होने देना। क्या कह रही है पुलिस? कहेगी क्या? अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा ठीक है, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। खराब हो जाए तो हो जाए, अगर विकास को कुछ हो जाए तो अच्छी तबीयत लेकर क्या करना है? देखिए, आप पहले अपना मन शांत कीजिए। अब मेरी बात मानिए, संज्ञा को फोन लगाइए ना, उससे पूछिए ना कि विकास का कुछ पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है तो उसे कहिए कि वो वापस आ जाए। ठीक। क्या हुआ? क्या फोन बंद? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तो क्या करूं? पता नहीं ये लड़की कहां भटक रही होगी। अरे कुछ हो गया उसे, कुछ अनहोनी हो गई तो। अपनी बेकार की बातें बंद करो, मेरा दिमाग खराब मत करो प्लीज। संख्या का फोन बंद क्यों आ रहा है? कहीं मेरी बच्ची किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? हे भगवान, क्या बोल रही हूं मैं? मेरी ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं अभी जाता हूं और संज्ञा को लेकर आता हूं, तुम टेंशन मत लो। गाड़ी की चाबी दो। मैं भी चलूं? क्या पता, मुझसे पहले अगर संज्ञा आ गई तो। यहीं रुको, हाँ आता हूं। यार तो मुझे भी लग रहा है अभी तक ये कुछ पता नहीं चला। अगर विकास भैया को कुछ हो गया ना तो मालती जेल में ही मर जाएगी। विकास, विकास ये क्या है? तुम्हारे सर यहाँ बैठे, तुम उठकर जा रहे हो? चलो पहले खाना खा लो, फिर हम तुम्हारी थ्योरी पर बात करेंगे। मेरी बात मान चली, तू कल सुबह अस्पताल चले जाना शिखर को मदद करने के लिए।